एक एक लाख कच्चे बनियान के पीसेस का ऑर्डर देना चाहते हैं? अरे बात कर रहे सर, मजाक तो नहीं कर रहे जी? नहीं, वो क्या क्या ना, इतना बड़ा ऑर्डर है ना, तो हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं सर जी। अच्छा, वैसे इतने बड़े ऑर्डर की जरूरत क्या पड़ गई? आप तो एक ही पहनते हैं ना। अच्छा, मतलब तीन देशों में शोरूम खोल रहे हैं? अरे तो खोलिए ना सर, शौक से खोलिए, हम तुरंत ही ऑर्डर पूरा करवाते हैं जी। दो करोड़? नहीं 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 सर, तीन करोड़ में डन कीजिए, तीन करोड़ में। तीन करोड़? क्या क्या है ना सर, कच्चा माल बहुत महंगा हो गया है, इसीलिए हम कह रहे थे अगर तीन करोड़ है ना, मजा आनंद आ जाएगा जी। मतलब डन। थैंक यू सर, थैंक यू जी, हम जल्दी ऑर्डर पूरा करवाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे पगली, हमें तीन करोड़ का ऑर्डर मिल गया। सुन लिए, लेकिन लड्डू की भैया ये तो बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। हाँ पगली, ऑर्डर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सुनो कि अगर हमने समय रहते ही ऑर्डर पूरा कर दिया तो करोड़ों में खेलेंगे पगली, करोड़ों में। भैया भगवान का लाख लाख शुक्र है लड्डू की भैया, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। हाँ अच्छी बात तो है पगली, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऑर्डर किसे दें, क्योंकि चारों तरफ से चिंदी चोर भरे पड़े हैं ना। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। आइए आइए भाभी जी, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। हेलो अनीता जी, बैठिए। वाह भाभी जी, क्या बात है, आपके ऐसे शुभ कदम पड़े कि हमें तीन करोड़ का ऑर्डर मिला भाभी जी। वाह, तीन करोड़ का ऑर्डर? भाभी जी, तीन करोड़ का ऑर्डर मिला, हमें एक लाख कच्चे बनियान का ऑर्डर जो है वो 6 महीने में पूरा करना है। 6 महीने में 1 लाख कच्चे बनाना? तिवारी जी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जी भाभी जी, मुश्किल काम तो है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि किस फैक्ट्री से डील करें। तिवारी जी, आप अपने पुराने मैन्युफैक्चरर से क्यों नहीं कांटेक्ट करते? नहीं भाभी जी, मैन्युफैक्चरर से बात कर तो ले, लेकिन क्या है कि सबके सब चिंदी चोर हैं ना, ऑर्डर मतलब काम पूरा करते ना करने देते हैं। तिवारी जी, अपनी खुद की फैक्ट्री खोल लीजिए। ये तो बहुत अच्छा ऑडियो है। अंगूरी जी, आप आइडिया कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। आप बोलते हैं लड्डू की भैया खोल लीजिए ना। नहीं भाभी जी, वैसे बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या है कि वो फैक्ट्री अपनी खोलने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है ना, और फाइनेंस हमारे पास है नहीं, मतलब फाइनेंसर है नहीं। नहीं नहीं, आपके क्लाइंट आपको एडवांस दे रहे होंगे ना? यही तो प्रॉब्लम है ना भाभी जी, वो 3 महीने के बाद एडवांस देंगे। तिवारी जी, फिर तो आपको फाइनेंसर ही ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो तो है ही। हाँ हाँ भाई, ये 5 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन ये बता मुझे क्या मुनाफा मिलेगा? हाँ तिवारी जी, लीजिए, हाउ लकी, प्यासे के पास खुद कुआं चलकर आ गया आपका फाइनेंसर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुझे सोचने के लिए 2 दिन का मौका देता हूँ। हाँ हेलो अंगूरी भाभी जी, हेलो भाभी जी। हेलो प्रेम जी। अरे कच्चा बनियान, सुनना, मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। क्या? अरे यार, वो तेरा क्लाइंट है ना, क्या नाम है उसका? हाँ गुप्ता जी। यार उसके पास एक विदेशी कुत्ता है, और वो कुत्ता मेरी बीवी को पसंद आ गया है, तो जरा पूछ के बता देना कि वो विदेशी कुत्ता कहाँ से लाया था। यार मेरी बीवी ने जिद पकड़ ली है कि उसे वो कुत्ता चाहिए, प्लीज मेरा ये काम कर देना, फिर तू तो जानता है मेरे पास बहुत पैसे है। हाँ। क्या है ना प्रेम, देख ये काम तो बहुत छोटा है, लेकिन तुझे भी हमारे काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलना। क्या है कि हमें जो है वो 1 लाख कच्चे बनियान के पीसेस का 3 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। हाँ। और इसीलिए तिवारी जी अपनी खुद की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जिसके लिए उनको एक फाइनेंसर की जरूरत है। सही पकड़े हैं। तो मैं चाह रहा था कि अगर तुम हमारे साथ मतलब हमें फाइनेंस करते तो हम बराबर के पार्टनर हो जाएंगे। क्या है ना कच्चा बनियान, पार्टनर तो मैं तेरा बन जाऊं, लेकिन तू भी अंगूठा छाप है और मैं भी अंगूठा छाप हूं। मतलब समझे नहीं कुछ? मतलब ये है कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए किसी पढ़े लिखे काबिल आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ तो हम उसका ऑर्डर कैसे पूरा कर पाएंगे। मैनेजमेंट भाभी जी संभालेंगी।
भी रहने दीजिए, मुझे मत इन्वॉल्व कीजिए। देखिए क्या है ना, मेरी तो खुद की ग्रूमिंग क्लासेस हैं, मैं फिर कैसे टाइम निकाल पाऊंगी। अरे भाभी जी, ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह सब आप संभाल लेंगी, सब आप संभाल लेंगी। हम आपको MD की पोस्ट ऑफर करते हैं और इस डील में आप और हम बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। क्यों प्रेम? हाँ हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। तो चलिए फिर मिलाइए हाथ। विभू, विभू, क्या विभू, आज तुमने मुझे सुबह उठाया ही नहीं। अनु, अब मैं भी रोजगार वाला हो गया हूँ, खुद अपने आप उठ जाया कर। रोजगार वाले हो गए हो तो क्या, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। घर का सारा काम कर चुका हूँ मैं, किचन के बर्तन से लेकर बाथरूम के कपड़े तक सब धुल चुके हैं, घर की साफ सफाई हो चुकी है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। वेल डन। मेरा नाश्ता? नाश्ता बना कर रख दिया है, बस आपको गर्म करके खाने की जहमत करनी पड़ेगी। गुड गुड। मेरी कॉफी? कॉफी आप खुद बना लीजिएगा। कॉफी के बिना क्या नाश्ता, और तुम्हारे हाथ की बनाई हुई कॉफी नहीं पीती ना तो मेरा तो दिन ही नहीं शुरू होता। जल्दी से प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। देखो मैं फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या बेबू, 10 मिनट तो लगते हैं कॉफी बनाने में, हाँ कौन से घंटों लगते हैं, चलो बना दो। तुम कितनी सेल्फिश हो अनु, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। क्या बेबू, थोड़ी सी देर हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, और कौन सा तुम्हें 50 कोस दूर जाना है, इस घर से उस घर सड़क पार करनी है, बस बना दो। ठीक है बना दो। अच्छा सुनो, कड़क बनाना, आज बड़ी सुस्ती आ रही है। हाँ, ने स्कर्ट पहन रखी थी, शॉर्ट वाली यार, अच्छी लग रही है। बाथरूम में थी यार, बाल भी घुंघराले थे वहाँ के। मैंने तो वहाँ देख तो सेट आ गई यार। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। थैंक गॉड यार, टाइम पर पहुंच गए। हाँ यार, भला उस बेचारे बाइक सवार का जिसने ट्रिपल सवारी बिठा कर हमें यहाँ छोड़ दिया। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हो। ए भूप सिंह, यू अपने संस्कार को है ना फैक्ट्री में अपने पास में रखो, समझ गए? हेलो एवरीबॉडी, अरे मोरी मैया, हाय हाय। ओ माय गॉड, myself रेखा शुक्ला, myself टीकाराम, मेरा नाम मलखान है गो। people says me पिल्लू, I am डॉक्टर गुप्ता, मेरा नाम भूप सिंह है। खुशबू से आ रही है, मतलब फिजाओं के। ओ ये क्या कुतरपांच चल रही है बे, तुम काम करने आए हो, फालतू की बकवास करने आए हो? कुछ नहीं भैया, वो क्या है, जस्ट आपस में हम लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। क्यों, रिश्तेदारी निभानी है क्या? और एक बार कान खोल के सुन लीजिए, तुम लोगों को 1 लाख कच्छे बनियान का आर्डर 6 महीने में पूरा करना है। और अगर ये आर्डर 6 महीने में पूरा नहीं हुआ तो इसकी कीमत तुम सबको अदा करनी पड़ेगी। हम अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे भैया, लेबर पेन्स है। डोंट कॉल मी भैया भैया, आई एम योर बॉस, कॉल मी बॉस या सर। ओके सर। और एक बात और, कल से फैक्ट्री 8 बजे शुरू होगी, सबको 7:30 पर यहां उपस्थित होना है, समझ गए? ना हो पाएगा। क्यों बे? सेठ जी एक काम करते हैं, वो क्या है कि सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक हो गए, 7:45 आ जाएंगे सब। यहाँ मालिक कौन है, तू या मैं? आप ही देख रहा हो। तो बस हमारा कहा पत्थर की लकीर है, समझ गए? चलो काम शुरू करो, वैसे भी 8:30 हो गए। और ए, 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 एक चीज और, कल 7:59 मशीनें शुरू हो जानी चाहिए, समझ गए? ठीक है। यस बॉस। ओके सर। चलिए। ये 1 मजदूर इज मिसिंग। विभूति भैया अभी नहीं आए हैं। I'm sorry, I'm late, तिवारी जी, I'm really sorry. Don't call me तिवारी जी,
आई एम योर बॉस, कॉल मी सर या बॉस. ओके बॉस. राइट. और सुनिए सुनिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई काम पर लेट आने की? एक्चुअली क्या है कि वो मैं वाइफ को चाय नाश्ता करा रहा था, देर हो गई इसलिए. तो ये हमारी प्रॉब्लम है? नहीं, ऑफ कोर्स ये मेरी प्रॉब्लम है. अच्छा, तो आपकी प्रॉब्लम का खामियाजा हम क्यों भुगते? दिस इज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एंड इट विल नेवर एवर हैपन अगेन. नहीं नहीं, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी. चलिए मुर्गा बनिए. चलिए भैया, तंदूरी बनोगे या फिर तरी वालो? यार मीनल, पूछ मत पूछ मत, रिक्शे वालों के नाटक ना बहुत बढ़ गए. हाँ यार, पैदल आना पड़ा. एक तो मैंने वो हील वाली सैंडल पहन रखी थी और रास्ते इतने ऊबड़ खाबड़ थे, कितनी बार तो मोच आते आते रह गई. बड़ा दर्द हो रहा है, पूरे पैर ही अकड़ गए मेरे मीनल. हाँ, और क्या, विभू से दबाऊंगी. अच्छा सुन ना, विभू आ गया, तुझसे बाद में बात करती हूँ, चल बाय. अरे विभू, तुम आ गए. हाउ वाज योर डे? बहुत ही घटिया और वाहिया दिन गुजरा है मेरा. क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से लेट पहुंचा. तिवारी ने मुझे लेट आने पर सबके सामने जलील किया. He was trying to put me down in front of everyone. Oh, I'm so sorry, Vibhu. लेकिन ऐसा तुम्हें काम पे लेट नहीं होना चाहिए विभो. Not good. ये तुम कह रही हो? मैं लेट हुआ हूँ तुम्हारी वजह से, because of you. यार विभु, अपनी लेट लतीफी की वजह से लेट होते हो, उसका इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रहे हो? लेकिन अन्नू, मैं तो तुम्हें, यार विभु प्लीज, यार ग्रो अप. अपनी गलती दूसरों पे थोपना, कम ऑन यार. मेरी गलती तुम पे नहीं थोप रहा हूँ, पर तुम अपनी गलती मुझ पे थोप रही हो यार. मेरी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? मैं लेट हुआ तुम्हारी वजह से. तुमने मुझसे कहा कॉफी बना के जाओ, कॉफी बना के जाओ. गॉड ओह गॉड ओह गॉड, प्लीज, कितनी बहस कर रहे हो, बाप रे. अरे प्लीज बहस मत करो. अरे मामा, पता है मैं आज कितनी तकलीफ में हूँ. मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है विभू, इतना दर्द हो रहा है. ऊपर खाबड़ रास्तों पे चल रही थी, एक तो हील्स पहनी थी, पूरा पैर अकड़ गया है देखो. मैं भी बहुत थका हुआ हूँ यार, टूटा है. अरे विभू, पैर दबा दो यार, मैं सो नहीं पाऊंगी. नहीं तो मैं भी थका हुआ हूँ, मैंने फैक्ट्री में पूरा दिन काम किया है ना, वो सो टायर्ड. कम ऑन यार विभू, प्लीज ये लो, प्लीज पैर दबा दो 10 मिनट. कम ऑन, अकड़ गए. कम ऑन कम ऑन, दबाओ ना. यहाँ नीचे दो जोर से. हाँ हाँ हाँ, और दम लगाओ. दम नहीं है क्या तुम में? दम लगाओ. अरे भाई, जल्दी से जल्दी मटेरियल भिजवा दीजिए. जी हाँ, अरे बड़ा ऑर्डर है ना भाई, भेजने में समय लगता है. एक मिनट. हाँ पूरनमल जी, क्या कह रहे? क्या आप क्या कह रहे थे? अच्छा, अरे आप तो काट दो भाई पहले. हेलो, हाँ ठीक है. अच्छा सुनिए पूरनमल जी, वो इलास्टिक भिजवा दिए? अरे नहीं भिजवाइए तो फिर वही बात, नहीं भिजवाए तो भिजवा दीजिए ना भाई, कल सुबह तक हमें मिल जाना चाहिए. हमें ऑर्डर पूरा करना है भाई, हमारे पास समय नहीं है. अरे यार, बड़ा माथा पच्ची वाला धंधा है भाई, एक से कमीने भरे पड़े इनकी, सब उल्लू के चरखे हैं ये सारे. हाय दिया, अशांत शांत लड्डू के भैया, क्या हुआ? हम सुन रहे थे, किसको गाली दे रहे इतनी देर से? अरे कुछ नहीं भाई, वो कच्चा माल भेजने वाले है ना, वो समय पर ऑर्डर भिजवाते ही नहीं है, क्या करें? काय नहीं भिजवाते हैं? हाँ वो आप तो कोनो फ्री में तो लेते नहीं है मैटरनल. मैटरनल क्या बकरे, मटेरियल होता है. सही पकड़े हैं आप, कोनो कच्चा माल फ्री में तो लेते नहीं है, काय नहीं भिजवाते हैं टाइम पर? अरे वही तो, लेकिन क्या है ना, ये लोग थोड़े नए नए बिजनेसमैन वालों परेशान करते हैं. लेकिन आप तो कितने पुराने बिजनेसमैन है ना? भाई हम तो पुराने बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस बड़े धंधे में तो अभी नए हैं ना, एक बार पुराना होने फिर देखेंगे इन सालों को. हाँ देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा. हाँ सुनिए, हमको अभी 1,000 रुपए दे दीजिए बस. अब तुमको इस समय 1,000 रुपए की क्या जरूरत आ पड़ी? का जरूरत है ना कि कल हम उस सारे मजदूरों के लिए मखाने और बादाम का खीर बनाने वाले हैं खिलाने के लिए. का जरूरत है? का जरूरत है मजदूरों को वो मखाने की और खीर वीर खिलाने की? का जरूरत है? हम एहसान कर रहे हैं उनपे?
काहे नहीं जरूरत है हां वो हमरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हां तो हम उनको रोकड़ा देते हैं ना वो एहसान कर रहे हैं क्या हम पे देखे लड्डू के भैया हमरे डैडू बोलते हैं कि मजदूरों को खुश रखना चाहिए का करें का करें मुजरा करवा देगा उनके लिए अरे पैसा दे तो रहे हैं देखो पगली तुम अपने बौड़नपन की बातें अपने पास ही रखो समझी ये मजदूरों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है एक बार उनको वो पोंछा पकड़ने को कहो तो गला पकड़ लेते हैं समझी बहुत हो गया हाँ आप ना ही सुनेंगे मजदूरों के बारे में कछु आप उनका अपमान करें और ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है ये अचानक तुम्हारे मन में मजदूरों के लिए ममता कहाँ से जाग गई काहे कि हमरे डैडू भी मजदूर थे एक ठो हजार रुको ये लो हमरे प्यारे हैंड पंप चीयर्स कोई मेटल कम तो नहीं पड़ रहा है कच्चा बनियान नहीं कम तो नहीं पड़ रहा है अभी दो दिन का और बाकी है कुछ भी कहे यार साले मजदूर काम बड़ा फास्ट कर रहे हैं हाँ हाँ काम फास्ट भी कर रहे हैं क्वालिटी भी दे रहे हैं लेकिन इन मजदूरों के साथ एक समस्या है हाँ हाँ यही ना ये साले प्रॉफिट में शेयर मांग रहे हैं यही तो बड़ी समस्या है अबे ओ कच्चा बनियान तू ये बिजनेस पहली बार कर रहा है क्या हाँ अब पहली बार ही तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं मैं तो भूल ही गया था इससे पहले तूने सारे काम चिंदी चोरी वाले किए अबे वो क्या है ना मेरी तीन फैक्ट्रियां हैं और मेरा पाला हमेशा ऐसे सर फिरे मजदूरों से ही पड़ता रहता है तो फिर बताइए क्या करें सबसे पहले तो हमें इन मजदूरों से काम निकलवाना चाहिए हाँ बताइए कैसे निकलवाए अबे लालच देकर हमें ये शो करना है कि हमने इन मजदूरों की मांगे मान ली है फिर जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम इन मजदूरों को इनकी मांगों के साथ अपनी फैक्ट्री से लात मार कर निकाल देंगे हैं और फिर नया स्टाफ भर्ती कर लेंगे हाँ। हम मजदूरों के खिलाफ साजिश रची जा रही है ये दोनों कमीने आ गए अपनी औकात पर इनसे मुझे यही उम्मीद थी लेकिन मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है बेटा मैं तुम दोनों का ऐसा बैंड बजाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे भाइयों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट हमें बेवकूफ बना रहा है याद कीजिए चमेली छाप अंडरगारमेंट्स के मालिक मनमोहन तिवारी ने क्या वादा किया था याद कीजिए जेगी कंपनी को जो प्रॉफिट होगा ना वहां में से हम सबको शेयर मिलेगा एग्जैक्टली यही कहा था लेकिन कल रात मैंने मनमोहन तिवारी को यह कहते सुना कि वो हम मजदूरों को बेवकूफ बना रहा है हमें प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं देगा नथिंग जे तो सरासर धोखा है हमारे साथ भैया जे धोखा ही नहीं है मुठी कर जे धोखो नहीं है जे तो हमारी पीठ में ना छुरा भोपो है छुरा वो भी एक तरह का धोखा ही होता है इन लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं ये बड़े लोग बिजनेस के लिए संस्कार बेच कर खा गए हैं भाइयों मेरी आपसे इल्तिजा है गुजारिश है रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर इन मालिकों को दिखा दें कि मजदूरों को धोखा देने का क्या अंजाम होता है आज से अभी से इसी वक्त से हड़ताल चक्का जाम मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद आई लाइक इट क्या बात हो गई विभूति भैया ये अचानक आपने हड़ताल जैसा माहौल क्यों बना दिया है क्योंकि मालिकों ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका है हमें धोखा दिया है धोखा आई लाइक इट तो इसका मतलब ये हुआ विभूति भैया कि आप मजदूर लोग इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाएंगे चिंता मत कीजिए विभूति भैया
कोर्ट में इन मालिकों की धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा, मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। फिलहाल हमें हमारा हक चाहिए, और अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अदालत जाएंगे, खटखटाएंगे दरवाजा अदालत का, क्यों नहीं? विभूति भैया अमर रहे, अमर रहे, आई लाइक इट। क्या बोल रहे? विभूति भैया जिंदाबाद। क्या हो रहा है यहाँ पर विभू? ऊपर कहाँ चढ़े हुए हो? पीछे करो छतरी, पीछे करो। अरे आप लोग काम पे क्यों नहीं आए आज? हम मजदूर काम पर नहीं जाएंगे मैडम। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मालिकों ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका है। ये क्या बकवास कर रहे हो? किसने तुम्हारी पीठ पे छुरा भोंका है? मैनेजमेंट ने। ध्यान, आप शनाप बक रहे हो, बल्कि मैनेजमेंट ने आप लोगों को एक शानदार तोहफा दिया है। हर एक वर्कर को प्रॉफिट से शेयर मिलेगा। आप झूठ बोल रही हैं मैडम। आप बड़े लोग दिन में किए गए वादे रात के अंधेरे में अक्सर तोड़ दिया करते हैं। विभूति सेठ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विभूति सेठ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुप चुप, शांत हो जाइए। छतरी नीचे कीजिए, छतरी नीचे कीजिए। हम मजदूर हैं सेठ, इन मालिकों के हाथ की कठपुतली नहीं। जैसे नचाएंगे वैसा हम नाचेंगे। तू तो प्रेम का दोस्त है ना, समझा देना उसको। वैसे तो बहुत बड़ा कुत्ता है वो, लेकिन उससे कह देना कि अगर मैं अपनी आय पर आ गया तो मैं उससे बड़ा कुत्ता और उससे बड़ा कमीना हूं। तेरा नाम क्या है बे? अपनी वसीयत मेरे नाम लिखने वाला है। सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे। तेरा नाम क्या है बे? मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है बे। अच्छा, तो तू विभूति नारायण मिश्रा है बे? हाँ बे। तो तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले बे। बोल बे। ये जो तू हड़ताल कर रहा है इसको अभी के अभी वापस ले ले बे। तो तू कहानी का तीसरा एंगल है बे। अगर प्यार से ना माने तो गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। देख, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ बे, अगर तूने हड़ताल वापस नहीं ली तो। तू धमकी दे रहा है मुझे, धमकी दे रहा है ताकि बोल देना अपने मालिकों से, जा नहीं लेता हड़ताल वापस, जा। तू रॉकी दादा से पंगा ले रहा बे? अबे तू रॉकी है या वॉकी टॉकी, जाके अपने मालिकों से कह देना कि हम ऐसे धमकी डरने वाले नहीं, किसी और को डराना किसी और को, समझे? देख, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बे, दो टके के गुंडे धमकी देता है, जाके बोल दे अपने मालिकों से नहीं लेता हड़ताल वापस। एक बात कान खोल के सुन ले बे, मुझे अनीता मिश्रा ने भेजा था बे। अल्लु, हाँ सेठ बोलो। क्यों बे रॉकी दादा, काम हुआ क्या? तूने उस विभूति को धमकी दे दी ना सेठ? एक गड़बड़ हो गई है।
क्या गड़बड़ हो गई बे? मैं तो उसे सिर्फ धमकाने गया था, लेकिन उसने मुझ पे अटैक कर दिया और मुझे कायदे से धोया। फिर तूने क्या किया बे? रॉकी दादा ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं सेठ, मैंने भी उसे कायदे से धोया और निचोड़ दिया। तूने हमारा नाम तो नहीं लिया? अनीता मिश्रा का। ठीक है ठीक है, अभी तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। ओके सेठ। अरे 11:30 बज रहे, अभी तक विभू का कोई अता पता नहीं है, कहाँ रह गया? अरे विभू ये क्या हुआ तुम्हें? और इतनी देर कैसे लगा दी? मुझे जिंदा देख के बहुत हैरानी हो रही है ना? ये क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी सब कुछ समझ में आ गया। अरे लेकिन क्या समझ में आ गया? ये कि तुम मुझे मजदूर समझती हो और तुम मैनेजमेंट से मिली हुई हो, अपने फायदे के लिए तुम मेरा कत्ल भी कर सकती हो।